मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज इस वीडियो में हम स्टेट कोटा कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, तो राजस्थान स्टेट की कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। राजस्थान स्टेट की कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई रहती है स्टेट कोटा कट ऑफ में। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफी ज्यादा होते हैं, और यहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जैसे LN हो गया, आकाश हो गया, तो उसकी वजह से भी यहाँ की कट ऑफ काफी ज्यादा जाती है। तो हर साल प्रीवियस ईयर में हर साल इस स्टेट की कट ऑफ काफी ज्यादा रहती गई है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, क्योंकि यहां तक सेकंड राउंड में पूरी सीटें गवर्नमेंट की फिल हो जाती हैं, तो सेकंड राउंड तक कितनी कट ऑफ रह सकती है राजस्थान स्टेट की। जो मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन प्रीवियस ईयर में जो मैंने कट ऑफ प्रिडिक्ट की थी वो बिल्कुल एक्यूरेट गई थी राजस्थान स्टेट की भी। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहती है। दूसरी बात, राजस्थान के स्टूडेंट को मैं एक यह सलाह देना चाहता हूं कि वो ऑल इंडिया कोटा की सीट अवेल करें। पिछली बार भी मैंने काफी स्टूडेंट को बहुत बार ये वीडियो बना के बताया था कि आपको स्टेट कोटा की बजाय ऑल इंडिया कोटा की सीट लेनी चाहिए। तो काफी स्टूडेंट ने सीट भी ली है, लेकिन काफी स्टूडेंट स्टेट कोटा के भरोसे बैठे रहे, सेकंड राउंड में उनको सीटें नहीं मिली, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की जो सेकंड राउंड की कट ऑफ रही थी 611 मार्क्स रही थी, राजस्थान की जो लास्ट राउंड की कट ऑफ रही थी वो 616 मार्क्स रही थी जनरल कैटेगरी की। तो स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था उसमें। तो आपको इस बार भी अगर आपका ऑल इंडिया कोटा में सिलेक्शन हो रहा है तो ऑल इंडिया कोटा को ही प्रेफरेंस देना चाहिए, हो सकता है आपको कहीं फिर सीट से वंचित रहना न पड़ जाए। लेकिन जो ऊपर के स्टेट नीचे एक ही रैंक वाले स्टूडेंट्स को तो ऑल इंडिया में लेना ही लेना है। जो ऊपर की रैंक के स्टूडेंट्स हैं, जैसे 1000 रैंक के स्टूडेंट है, 2000 रैंक के स्टूडेंट है, उनको भी ऑल इंडिया कोटा में सीट लेनी चाहिए, उनको भी ऑल इंडिया कोटा से काफी फायदा होगा। क्या फायदा होगा इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि अगर आपको SMS मेडिकल कॉलेज मिल रही है फिर भी आपको आउट स्टेट की अच्छी कॉलेज लेनी चाहिए, वो क्यों लेनी चाहिए, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि क्या आपको फायदा होगा और क्या इससे लेने से आपको कितने कितने बेनिफिट हो सकते हैं, तो वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी इसमें हम कट ऑफ के बारे में ही बात करेंगे राजस्थान स्टेट के बारे में। तो अभी देख लेते हैं फर्स्ट राउंड की कट ऑफ, में आपको कैटेगरी वाइज बता देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ, और यहां पर सेकंड राउंड जो इसका लास्ट राउंड सी होता है, तो अगर उसकी बात करें हम फ्री सीट की बात करते हैं पहले। यहां पर जो पेमेंट सीट की अलग से कट ऑफ देखेंगे हम, यहां पर पहले फ्री सीट की बात कर लेते हैं। तो ये कट ऑफ जा सकती है फर्स्ट राउंड की 623 मार्क्स जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद में हम सेकंड राउंड की बात करें तो 609 कट ऑफ जा सकती है सेकंड राउंड में राजस्थान स्टेट की। अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में फर्स्ट राउंड में ज्यादा अंतर नहीं रहता है, लेकिन सेकंड राउंड में थोड़ा सा अंतर रहता है। हम मान लेते हैं कि सेकंड राउंड में जो इसकी कट ऑफ रहेगी वो 605 मार्क्स रहेगी ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अब ईडब्ल्यूएस में, राजस्थान स्टेट में जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो ओबीसी से डाउन जाती है, और जब ओबीसी से डाउन जाती है तो ये हम मान लेते हैं कि 620 ये रहेगी, और 604 मार्क्स सेकेंड राउंड में रहने की पूरी पूरी संभावना है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें यहां पर, तो एससी कैटेगरी की 530 फर्स्ट राउंड में कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा हाई जाती है, लेकिन सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया से थोड़ी सी ज्यादा ही ये कट ऑफ जाने की संभावना है। एमबीसी कैटेगरी की अगर हम पहले एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये एसटी कैटेगरी की 510 कट ऑफ जा सकती है, 510 जा सकती है, और इसमें 484 कट ऑफ जा सकती है सेकंड राउंड में। एमबीसी कैटेगरी की सेकंड राउंड की मैं आपको कट ऑफ बताता हूं,
O580 जा सकती है और STA कैटेगरी की सेकेंड राउंड की जो कट ऑफ है वो 390 जा सकती है। तो ये कट ऑफ हो गई आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ राजस्थान स्टेट की। अब हम पेमेंट सीट की बात करते हैं। राजस्थान स्टेट ही एक ऐसा स्टेट है जहां गवर्नमेंट में मैनेजमेंट सीट होती है, यानी कि पेमेंट सीट होती है। इनको आप फिर से नोट कर लें, मैं दोबारा से बता देता हूं। जनरल कैटेगरी की फर्स्ट राउंड में 623 कट ऑफ रह सकती है, सेकेंड राउंड में 609 कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी कैटेगरी की 622 रह सकती है, 605 रह सकती है सेकेंड राउंड में ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस की 620 रह सकती है फर्स्ट राउंड में, सेकेंड में 604 रह सकती है। एससी कैटेगरी की 530 रह सकती है और सेकेंड राउंड में 505 रह सकती है। एसटी की 510 और 484। एमबीसी कैटेगरी की सेकेंड राउंड तक 580 और एसटीए की 390 कट ऑफ रह सकती है सेकेंड राउंड में फ्री। तो पेमेंट सीट की कट ऑफ की बात करें तो ये जनरल कैटेगरी के लिए 591 मार्क्स रह सकती है। ये मैंने सेकेंड राउंड की कट ऑफ प्रेडिक्ट की है, यानी कि सेकेंड राउंड में 591 कट ऑफ रह सकती है। एमबीसी की मेल और फीमेल में काफी अंतर रहता है कट ऑफ में, तो मेल कैंडिडेट के लिए 560 मान लेते हैं और 500 कट ऑफ रह सकती है फीमेल कैंडिडेट के लिए एमबीसी कैटेगरी में। अब बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की, तो इनमें ज्यादा अंतर नहीं रहता, सिर्फ रैंक का ही अंतर रहता है, तो ये 590 कट ऑफ रह सकती है। एससी कैटेगरी की 560 और एसटी कैटेगरी की 445 पेमेंट की कट ऑफ रह सकती है। कट ऑफ ये पेमेंट वाली एक बार फिर से बता देता हूं, जनरल कैटेगरी की 591, एमबीसी की मेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है 560 और फीमेल के लिए 500। इसके बाद ईडब्ल्यूएस ओबीसी 590, जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं रहता, सिर्फ एक ही मार्क्स का अंतर रहता है क्योंकि उस मार्क्स पर काफी ज्यादा रैंक होती है। इसके बाद एसटी कैटेगरी की 460 मार्क्स और एसटी कैटेगरी की 445 मार्क्स कट ऑफ रहती है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान स्टेट की कट ऑफ है। बाकी स्टेट्स की कट ऑफ अगर समय मिला तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। अगर आपने काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दे रखी है, कौन से स्टेट में क्या कट ऑफ रही है वो पूरा का पूरा समझा रखा है उसमें। तो उसके अकॉर्डिंग आप कट ऑफ देख सकते हैं कि आपको कहाँ कॉलेज मिल सकती है। तो इस प्रकार से इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं बुक को, या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी एमसीसी के रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।